व्हाट्स अप यूट्यूब, आज की ताजा खबर ये है कि दो मूवीज की रिव्यू हो रही है। एक तो है मलंग और दूसरा मूवी है जो कंट्रोवर्शियल मूवी है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे है, वो है शिकारा। सबसे पहले मैं मलंग मूवी की बात करूंगा। मलंग मूवी की जो ट्रेलर्स देख के काफी यंगस्टर्स खुश हो रहे थे कि भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम एक बहुत यूथफुल मूवी आ रही है। नो डाउट इट्स अ यूथफुल मूवी, पर बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट भी हो गए बिकॉज मैंने जब मूवी ये देखी, इट्स एन एवरेज मूवी। ये मूवी ऐसी नहीं है कि एकदम वो यूथनेस में या हमेशा एक यूथफुलनेस दिखाते रहती। नो डाउट इसमें यूथफुलनेस भी है, इसमें ग्लैमर भी है, सेक्स भी है। तो मलंग मूवी में देखने गया था सैटरडे को, और मलंग मूवी में है, आप सब तो जानते हैं, आदित्य रॉय कपूर, दिशा पतानी, अनिल कपूर एंड कुणाल खेमू, दीज आर द फोर लीड स्टार्स इन द मूवी। और ये भी पता है कि बहुत सारे लोग ये मूवी क्यों देखने गए हैं, क्योंकि इसमें हमारी आप सबकी दिशा पतानी है, जो एकदम छोटे कपड़े पहन के ये मूवी में आई है, दिखा रहे समुन्द्र से बिकनी में निकल रहे है, फिर पानी के अंदर स्विमिंग कॉस्ट्यूम में बिकनी में डाइव कर रही है, गोप्रो लेके बहुत सारे कुछ एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर रहे। तो हमारे पब्लिक को ये सब देखने को बहुत अच्छा लगता है, तो काफी लोग ये सब भी देखने गए थे। दिशा पतानी को देख के ऐसा लग रहा है कि वो अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम और अंडर गार्मेंट्स का कुछ ज्यादा ही एड कर रही है रैदर देन एक्टिंग। तो दिशा पतानी से स्टार्ट करूंगा, वन ऑफ द वर्स्ट एक्टर्स आई हैव एवर सीन, जिनको एक्टिंग बिल्कुल नहीं आता है, बस कोशिश कर रही है अपने आप को थोड़ा बहुत एक्टिंग करके दिखाने के लिए। और प्लीज उनको हिंदी बोलना कोई सिखा दीजिए, वो ऐसा लग रहा है कि उनको जबरदस्ती कोई हिंदी बुलवाना की कोशिश कर रहा है, उनका हमेशा जो इंग्लिश एसेंट है वो ज्यादा आ जा रहा है। तो आई थिंक दिशा पतानी एक आइटम गर्ल ही ठीक है, उनको लीड एक्टिंग में कुछ ज्यादा कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा काम है, बाकी सब तो ठीक है, लोग एंजॉय कर रहे थे। शी इज वेयरिंग स्मॉल ड्रेसेस एंड ऑल द थिंग्स, पीपल वर लाइक आंख फाड़ फाड़ के देख रहे थे। कमिंग टू आदित्य रॉय कपूर, नो डाउट ये मूवी में उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की है, अपने आप को काफी अच्छा ट्रांसफॉर्म किया है, काफी अच्छी बॉडी भी बनाई है, रोल के हिसाब से उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग करके लोगों को दिखाया है। अनिल कपूर, नो डाउट अनिल कपूर इज आउटस्टैंडिंग, हमेशा एक बोलता हूं अनिल कपूर इज वन ऑफ द फ्यू नेचुरल एक्टर्स आई हैव एवर सीन, एंड आई एम बिग फैन ऑफ अनिल कपूर। मुझे अनिल कपूर जी की हर एक्टिंग, चाहे वो फ्लॉप मूवी हो हिट मूवी, उनकी एक्टिंग हमेशा 100% रहती है। कुणाल खेमू, कमिंग टू कुणाल खेमू, मैं कुणाल खेमू के बारे में एक चीज कहूंगा कि ही इज अ चाइल्डहुड आर्टिस्ट, वो बचपन से अपनी मूवी कर रहे हैं और उन्होंने आई थिंक 80% हर बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा उन्होंने कोई छोटे स्टार्स ने, हमेशा अपने बचपन से चाइल्डहुड से बड़े स्टार्स, आमिर खान बोलिए या आई थिंक बहुत सारे ऐसे एक्टर्स, मुझे भी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। कुणाल खेमू को प्रॉब्लम ये है कि उनको परफेक्ट स्पॉटलाइट नहीं मिल पा रहा कि वो अपने और टैलेंट दिखा पाए, इसलिए वो हमेशा पीछे रह गए। वन मोर थिंग जो सीधी बात में मैं कहूँ, मैं घुमा फिरे का बात नहीं करूंगा, सीधी बात में कहूँ कि उनके पीछे कोई गॉडफादर नहीं है कि उनको पुशअप करे कि भाई आप बड़े लेवल पे और एक्टर, बिकॉज इज अ वेरी नेचर, इज अ वेरी गुड एक्टर, पर अपने आप को वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। ठीक है, मूवी एवरेज, ये नहीं कहूंगे सुपर हिट मूवी या ब्लॉकबस्टर, नहीं, एवरेज से भी बिलो भी कहूं वो भी कह सकता हूं, एवरेज मूवी है, वन टाइम वॉच, सॉन्ग्स आर ओके, ऐसा कुछ याद रखने लायक है नहीं, यंगस्टर्स को शायद थोड़े बहुत पसंद आएंगे। मैं ट्रेन्स में गाड़ियों में सुन रहा था मलंग के सॉन्ग्स चल रहे, मतलब लोगों को थोड़े बहुत पसंद आ रहे, बट ऐसा नहीं कि हमेशा याद रहेंगे। यंगस्टर्स को काफी मूवी अच्छी लगी क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ग्लैमर, शॉर्ट ड्रेसेस एंड एवरीथिंग ऑफ दिशा पतानी ये सब दिखाया, तो लोग ये सब भी देखने जाएंगे। पर सजेस्ट करूंगा कि एक ही बार देखिए, हाँ अगर किसी को किसी से बदला लेना है या कुछ कर रहा है तो आप डेफिनेटली ये मूवी जाके उनको दिखाइए, वो डेफिनेटली इंटरवल तक बाहर आ जाएंगे। सो मलंग एवरेज मूवी, वन टाइम वॉच। नाउ कमिंग टू द सेकेंड मूवी विच इज शिकारा। शिकारा जब मूवी स्टार्ट होती है तो ट्रेलर में दिखा रहे इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, मतलब सच्ची घटनाएं पे ये आधारित है। आई एम सॉरी फॉर माई हिंदी। एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर ये मूवी बनाई गई है एंड आई डोंट अंडरस्टैंड विधु विनोद चोपड़ा जी ने क्यों आज के तारीख में ऐसी मूवी बनाई है, क्योंकि सब पीसफुल चल रहा है, ये सब मूवी आप डालते हो कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे तो लोग ज्यादा ही भड़क जाते हैं। मैंने कहीं सुना कि ये मूवी को बहुत सारी जगहों पर रिलीज नहीं करने दिया है बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन कश्मीरी पंडितों को
कश्मीर से ही शायद निकाला जा रहा है, ऐसा कुछ है, ऐसा ही है। तो आई थिंक ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, ये नॉट ओनली दिस, कोई भी ऐसे मूवीज पे टॉपिक पे मूवी नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज ये क्या होता है कि जो पीसफुल चल रहा है लोगों के माइंड में ये सब बात वापस आ जाती है और लोग भड़क उठते हैं, फिर इसे रायट होती है, बहुत सारे उल्टा पुल्टा बात होती है, कॉन्ट्रोवर्सी होती है, पॉलिटिकल सिचुएशन आ जाते हैं, तो सिचुएशन बिकम्स वेरी वर्स। तो मूवी मैंने जो फ्राइडे सैटरडे, मैंने मूवी संडे को देखी, फ्राइडे सैटरडे मूवी रिलीज हुई, क्रिटिक्स ने जो कहा कि क्रिटिक्स ने मूवी को नेगेटिव रिव्यूज दिए, मतलब एकदम बकवास, ऐसा भी नहीं किसी ने अच्छा कहा है, नहीं। पर मैंने जब ये मूवी देखी मुझे ऐसा लगा कि मूवी एवरेज है, मैं ये नहीं कहूँ कि एकदम अच्छी है, सच्चाई घटना ही पे इसलिए देखने को बहुत डर लगता है। कोई भी मूवी, मैंने पहले भी कहा था, कोई भी मूवी अगर ट्रू इवेंट पे बेस्ड है तो मुझे देखने को बहुत ये लगता है, बिकॉज आप वो सिचुएशन में चले जाते हो, ये सब देखना बहुत ये लगता है। मैं कहूंगा कि ये मूवी एवरेज है, एक बार देखिए, यू विल अंडरस्टैंड क्या हुआ था वो टाइम पे 1990 या जो भी। रेस्ट सॉन्ग्स आर ओके इन दिस मूवी, मतलब सिचुएशन के हिसाब से सॉन्ग्स ठीक है, म्यूजिक इज ओके, रोमांस है, राइट्स दिखाए हैं, जो जो सिचुएशंस हुए हैं, एवरेज मूवी मैं कहूंगा। सो और एक रिक्वेस्ट ऑफ विधु विनोद चोपड़ा से कहूंगा कि प्लीज कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनसे कहूंगा प्लीज कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पे आज के तारीख में 2020 में मूवीज ना बनाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में CAA, स्कैब, NRC ये सब लेकर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है, प्रोटेस्ट चल रही है, प्लस आप ये सब मूवीज डाल के सिचुएशन को और गर्म कर रहे हो। सो आई डोंट थिंक कि प्रैक्टिकली आज के तारीख में ये सब चीज पॉसिबल है। तो ये दो मूवीज की रिव्यूज था, लोगों को डेफिनेटली जाके देखिए दो मूवीज, दोनों मूवीज अपने अपने स्टोरी लाइन के हिसाब से डिफरेंट है, और कुछ नहीं, वेट करूंगा नेक्स्ट मूवी देख के उसका रिव्यू बनाऊं, और कुछ व्लॉग भी डालने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, कोशिश करूंगा डालने के लिए। थैंक यू।